यहां पर देखो मल्टीप्लाई, टू टू से सिक्स कितना आया, थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दो, सिक्स से एटीन थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दो, एटीन से फिफ्टी फोर थ्री टाइम मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब हर एक एलिमेंट आपका थ्री थ्री से मल्टीप्लाई हो क्या, हर एक एलिमेंट थ्री थ्री से मल्टीप्लाई होता हुआ, तो ये क्या कहलाता है, तुम तो बोलो, बाकी लोग बोलो भाई फर्स्ट टर्म, और कॉमन रेशियो कितना आया, थ्री थ्री रेशियो आया, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। अब इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म अभी तक जितना पढ़ाया पांच मिनट में पूरा रिवाइज करवाऊंगा, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म कैसा आएगी ए इंटू, थर्ड टर्म, और इस तरह चलता है। अब देखो फर्स्ट सेकंड टर्म में आर का, एनेट टर्म, एनेट टर्म ऑफ जीपी ए आर की पावर एन माइनस, एनेट टर्म ऑफ जीपी, इधर ही बैठो, इधर ही बैठो पीछे, इधर ही बैठो, सही बैठो, दिखते रहने से पीछे चल जाता है। यस, एनेट टर्म ऑफ जीपी ए आर की पावर एन माइनस, ये एनेट टर्म ऑफ जीपी होगी, क्यों हुआ, सेकंड टर्म में आर की पावर क्या आ रही है, वन, थर्ड टर्म में आर की पावर टू, तो एनेट टर्म में आर की पावर क्या आएगी, एन माइनस। अब जैसे मैं रिवीजन पांच मिनट में फाइंड द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज, या फिफ्थ टर्म की जगह एट टर्म बोलो, टू सिक्स एटीन फिफ्टी फोर एंड सेवन, तो बेटा फर्स्ट टर्म टू, कॉमन रेशियो कौन सा टर्म निकालना है, एट टर्म क्या होगा, ए आर की पावर सेवन, ए का वैल्यू थ्री की पावर सेवन, एक कम, एट टर्म है तो सेवन आएगा, नाइन टर्म है तो एट आएगा, थ्री की पावर सेवन, टू वन एट सेवन, सेवन ट्वेंटी नाइन मल्टीप्लाइड बाई थ्री, पढ़ना बेटा ऑनलाइन भी बताओ, टू वन एट सेवन इंटू टू कितना आया, फाइव थ्री नहीं, फाइव थ्री फोर थ्री सेवन फोर, हाँ फोर थ्री सेवन, फोर थ्री सेवन फोर, फोर थ्री सेवन, चलिए यहां तक लिख लीजिए फिर आगे चलो। अब हमारा नया टॉपिक, इसको लिख लो यहां पर, अरे ये कहां लिखा हुआ है, नया क्वेश्चन बिल्कुल ताजा, कॉमन डिफरेंस डी होता है या कॉमन रेशियो आर होता है, डी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होता है, अरे यार बेटा तुम क्लास के बाद बात करना बेटा सब, अब कौन कौन आया कौन कौन नहीं आया, भाई राहुल नहीं आया, वो बात कर लेंगे, चलिए भाई अब बेटा नहीं बोलना है, पहले बोल रहा हूं, राइट डाउन ज्योमेट्रिक मीन,
ज्योमेट्रिक मीन, लिखिए भाई ज्योमेट्रिक मीन, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी. Let capital G be the geometric mean between A and B. Capital G be the geometric mean between A and B. So therefore, A, G, B are in GP. इसका मतलब A, G, B किसमें GP. यदि आपका कैपिटल जी ज्योमेट्रिक मीन है ए और बी के बीच में तो ए जी बी विल बी इन जीपी. अब बेटा यदि ये जीपी में, जीपी का मतलब क्या सेम होता है, कॉमन रेशियो. जीपी में क्या सेम होता है, तो इसका कॉमन रेशियो क्या है, जी बाई इक्वल टू बी बाई जी. कॉमन रेशियो क्या है, जी अपॉन ए इक्वल टू बी अपॉन जी, ये कॉमन रेशियो. भाई रेशियो की बात कर रहे हैं, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म ये रेशियो आ गया, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म ये भी रेशियो आ गया. और रेशियो हमेशा क्या होता है जीपी में, सेम होता है. जैसे आपका एपी में डिफरेंस सेम होता है, यहां पर क्या रेशियो, रेशियो सेम होता है. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जी स्क्वायर इक्वल टू, सो व्हाट इज द सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, जी इक्वल टू रूट ए. सिंगल ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स दिस इक्वल टू जी इक्वल टू रूट ए. ये हमारा सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है दो नंबर के बीच, ठीक है. अब जैसे आपसे ये बोल दिया जाए फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 16, मुझे 9 और 16 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है. फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 16. तो मैंने क्या बोला, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 16 क्या होगा, अंडरूट ऑफ 9 मल्टीप्लाइड बाय, सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 9 एंड 16, 12. तो 9 और 16 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन हमारा 12 होगा, अंडरूट ए. ऑनलाइन इस पे किसी को दिक्कत, आयुषी ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन क्या होती है? बेटा ज्योमेट्रिक मीन का डेफिनेशन ये है कि ऐसे तीन नंबर, हमें मिडिल नंबर निकालना है और ऐसे तीन नंबर जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ, तो उसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलेंगे. जैसे हमने बोला ज्योमेट्रिक में मतलब मिडिल नंबर, किस किस के बीच में मिडिल नंबर, ए और बी के बीच में ऐसा नंबर इंसर्ट करना है ताकि ये तीनों नंबर कहीं में आ जाए, जीपी में. ये ज्योमेट्रिक मीन है, क्लियर है? यस सर. अब अर्थमेटिक मीन में होगा तो अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, जैसा अर्थमेटिक मीन में इंसर्ट करना आपको ए कैपिटल ए बी. अब अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, डिफरेंस सेम होगा तो क्या होगा, ये अर्थमेटिक मीन आ गया भाई दो नंबर के बीच. भाई मीन का मतलब होता है, मीन मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज. भाई ये दी है ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक मीन में, तो अर्थमेटिक मीन में क्या होगा, रेशियो आपका डिफरेंस सेम होगा, तो डिफरेंस क्या होगा इसका, ए माइनस बी माइनस ए दोनों सेम होगा, इससे क्या आ गया ए इक्वल टू ए. तो ये अर्थमेटिक मीन होता है. मीन का मतलब है एवरेज,
एक तो होता अर्थमेटिक मीन, एवरेज कैसे निकाला हमने, दोनों को एड करके टू से डिवाइड कर दिया, ये सिंपल एवरेज। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ये भी एवरेज है, लेकिन ये कौन सा है, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो ये रूट है भी है। ये दो तरह के एवरेज होते हैं। होता तो हार्मोनिक मीन भी है, ठीक है, हार्मोनिक मीन। अब वो हार्मोनिक मीन आपके अभी काम नहीं आएगा यदि आपने गलती से, तो करेगी नहीं, ये इन तीनों ने गलती से सीए फाउंडेशन दिया, नहीं तू भी नहीं देगी, ये तुम ही देगी, तो सीए फाउंडेशन दिया तो वहां पर काम आएगा हार्मोनिक। अब ये मत पूछना सीए फाउंडेशन क्या होता है, पता है। चलिए आप एक याद, आपने एक इस तरह की प्रॉब्लम करवाई थी अपना अर्थमेटिक मीन, उसी तरह की सेम प्रॉब्लम कर रहे हैं, लिखो ए, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी फाइंड एन। If a की पावर n प्लस वन प्लस b की पावर n प्लस वन अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। सची यदि यह अर्थमेटिक मीन होता तो n की वैल्यू क्या होती, कोई नहीं बोले जीरो होती, वेरी यदि यह अर्थमेटिक मीन होता तो n की वैल्यू क्या होती, जीरो। ठीक है, ये ट्रिक है, एमसीक्यू में आएगा तो डायरेक्ट। अब यही बात यदि आपका सुन लो, यदि यार ज्योमेट्रिक मीन के लिए आ रहा है तो इसके लिए भी याद रखो, ट्रिक याद रखो, फॉर ज्योमेट्रिक मीन जो भी ए की पावर आ रहा फोन में वो किसके इक्वल आना चाहिए, माइनस वन बाई टू। अभी निकाल के बता दूंगा कैसे, ये आपको डायरेक्ट याद रखना। एपी में जीरो आता, एम बताऊंगा ना अभी, ये तो मैं अभी बता रहा हूँ कि ट्रिक बता रहा हूँ कि यदि आपको डायरेक्ट पूछा जाए एमसीक्यू, तो एमसीक्यू में इतना निकालने के लिए तो बैठेंगे नहीं हम, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्या बोलेंगे, यदि आपका ये ज्योमेट्रिक मीन में है तो अभी प्रूव करके बता रहा हूँ, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस आठ। एन प्लस वन इक्वल टू माइनस आठ, यदि यहां एन है तो एन इक्वल टू माइनस आठ। सपोज इसकी जगह ऐसे हो, ए की पावर एन प्लस टू प्लस बी की पावर एन प्लस टू अपॉन ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड एन। ऑनलाइन बोलो भाई क्या होगा, यदि ए की पावर एन प्लस टू प्लस बी की पावर एन प्लस टू अपॉन ए की पावर एन प्लस वन अपॉन बी की पावर एन प्लस वन, ज्योमेट्रिक मीन है ए एंड बी के बीच, तो एन प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, सो व्हाट इज द माइनस थ्री बाय टू, माइनस थ्री बाय टू। अब ये प्रूव करके बता रहा हूं ये आया किससे, अरे बताना है, ये तो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, क्या बताऊं, ये तो अभी ट्रिक है बेटा, अब ये मत सोचो कि ये आया कहां से, अभी बता रहा हूं आया कहां से, ठीक है। ये तो अभी सिर्फ बताया है कि यदि आपका डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा तो आप ऐसे करो, लिखो यहां पर, लिखो लिखो, क्या बेटा, ऊपर के लिए नहीं है, बस नीचे वाले को देखो, ऊपर वाले को नहीं देखो, बस सिर्फ इसको देखो, यहां जो लिखो, यहां जो लिखा हुआ है वो माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई, यदि नीचे एन प्लस थ्री होगा तो ऊपर एन प्लस फोर होगा, ये फिक्स है, तो एन प्लस थ्री इक्वल टू माइनस, सब यहाँ एन माइनस थ्री है तो n माइनस थ्री इक्वल टू माइनस, ये जो भी वैल्यू नीचे होगी वो माइनस ऑफ, बस नीचे वाली वैल्यू हो ही नहीं सकती,
हो ही नहीं सकती। अरे हो ही नहीं सकती ना, ज्योमेट्रिक मीन आएगा ही नहीं। अरे एक मिनट, आप ऑनलाइन आप भी देख लो, मैंने क्या बोला माइनस आप रख के देखो, देखो माइनस आप, अभी बताता हूँ रूट ए भी आएगा। बोलो माइनस हाफ प्लस वन ऑनलाइन, माइनस हाफ प्लस वन वन बाई टू, प्लस माइनस हाफ प्लस वन ए की पावर बी की पावर, अब ए की पावर हाफ प्लस बी की पावर हाफ, माइनस को प्लस करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, ये भी अपॉन में आ गया। अब इसका एलसीएम ले लो, ये एलसीएम ले लो, तो ये आ गया बी की पावर हाफ प्लस, बोलो ये दोनों ऊपर चला गया और ये क्या हो गया, आया कि नहीं आया रूट ए। तो ये बताने के लिए आपको लिखना नहीं है, ये बता रहा हूं हमेशा ऐसा है। आप बोल रहे थे ना कि भाई अलग अलग हो, आपने मुझसे पूछा अलग अलग हो, तो अलग अलग हो ही नहीं सकते। यदि ये n प्लस टू है तो ये भी n प्लस टू होगा, और नीचे n प्लस वन है तो n प्लस वन ही होगा। यदि n प्लस टू है तो नीचे n प्लस वन ही होगा, और कुछ हो भी नहीं सकता, एक कम होगा नीचे। तो ये तो फिक्स पैटर्न है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये तो अभी मैंने सिर्फ ये बताया है कि यदि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है या ज्योमेट्रिक मीन है ये, तो आपको डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए ये काम करना है। प्रूफ तो मैं अभी करके बता रहा हूँ कैसा है। ये क्या बेटा, रूट में क्यों आए, रूट में आए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपका सिंपल ये है, इसके अलावा नहीं आए। चलिए लिखो भाई, अब इसको मैं प्रूव करके बता रहा हूं। ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। सो देयरफॉर ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इक्वल टू रूट ए। बिल्कुल लिखना भाई, हमें पता है कि ये ज्योमेट्रिक मीन है, तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा, ए और बी के बीच में ऑनलाइन। बेटा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ए और बी के बीच में, अंडर रूट ए बी। तो इसलिए अंडर रूट ए बी के इक्वल टू, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ हाफ हाफ, ये मैंने पावर हाफ कर दी। ए की पावर हाफ बी की पावर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई समझना ध्यान से, हाँ इतना लिख लो बेटा, ये इसका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है तो रूट ए भी आएगा। रूट का मतलब पावर हाफ होती है, रूट का मतलब पावर क्या होती है हाफ, तो ए की पावर हाफ और टू मतलब कैसे, ऐसे सेम ही तो होता है। थ्री रूट का मतलब होता है पावर क्यूब, कहीं पे भी रूट होगा तो पावर हाफ होता है, रूट का मतलब ही पावर हाफ होता है। चलिए लिखो बेटा, ये दो स्टेप लिखी ऑनलाइन, इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। जानवी आप बताइए, आयुषी, अनिक्षा, राधिका, ये कैसे लिखा? नो सर। नो सर। रूट ए भी कैसे लिखा, समझ में आया? यस यस सर। चलिए अब देखो, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये दोनों वैल्यू इससे जाके मल्टीप्लाई हो। तो देखो ए की पावर एन प्लस वन, अब जैसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं,
ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई। तो बेटा यहाँ ए की पावर क्या है, सभी बोलेंगे n, और यहाँ कितना है? जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होती है? एड हो जाती है। एड पावर एड हो जाती है जब बेस सेम हो जाता है, जैसे ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब, तो ये हो जाता है ए की पावर 2+3, ए की पावर 2। जब बेस सेम होता है तो पावर एड होती है। हाँ डिवाइड में तो सबट्रैक्ट होगी, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये पावर एन है, ये पावर हाफ है, तो कितना हो गया ए की पावर, ये तो ए की पावर एन इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अब बी की पावर एन को इनसे मल्टीप्लाई करो। बोलो ये समझना आया कैसे लिखा? ए की पावर एन प्लस हाफ बी की पावर 1/2 प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस 1/2। पहले ये इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो एन प्लस हाफ बी की पावर हाफ प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा ए की पावर हाफ बी की पावर एन प्लस। क्या बेटा ये अगली स्टेप समझ में आई ऑनलाइन कैसे लिखा एन प्लस हाफ बी की पावर हाफ? यस सर। अब जितनी भी ए की पावर वाली, जैसे ये ए की पावर एन प्लस वन, इनको एक तरफ ले लो इस तरह से, और बाकी बी की पावर वाला उधर ले लो। ए की पावर एन वाले सारे लेफ्ट हैंड साइड में ले लो और बी की पावर एन वाले राइट हैंड साइड में। अब बेटा ये ए की पावर एन प्लस वन और ये ए की पावर एन प्लस हाफ, इन दोनों में से कॉमन क्या है? ए की पावर एन प्लस हाफ। बिल्कुल सही बोलो, क्या कॉमन आएगा? ए की पावर, क्योंकि एन प्लस हाफ छोटा है और एन प्लस वन बड़ा, तो इन दोनों में से ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन ले लो। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट स्टेप, यदि मैंने यहां से ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन लिया, देखे कौन बताता बच्चा क्या? ओनली हाफ बचा, एन आई गया हाफ आई गया, तो वन में से हाफ गया तो बचा क्या? ए की पावर हाफ, सिर्फ ये बचा, और इधर बी की पावर। ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन आया तो अंदर बचा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर, उधर से भी बी की पावर एन प्लस हाफ कॉमन लो, इधर से भी यही बचा ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर। ये दोनों आपस में क्या हो गए? क्या ये स्टेप समझ में आई क्या ऑनलाइन? यस सर। ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन लिया तो बचा ए की पावर हाफ माइनस। अब देखो यदि किसी को नींद समझ में आ रहा है तो ऐसे वन को मैं ये लिख सकता हूं, वन को मैं हाफ प्लस हाफ लिख सकता हूं, ये कॉमन आया तो ये बचेगा ए की पावर, वन को मैं ए की पावर एन प्लस हाफ लिख सकता। अब बचा क्या? ए की पावर एन प्लस हाफ इक्वल टू बी की पावर एन प्लस हाफ। या ए की पावर एन प्लस हाफ डिवाइड बाई, तो ये आ गया ए बाई बी की पावर। और बेटा वन को हम किसी की पावर जीरो लिख सकते, वेरी गुड, ए बाई बी की पावर जीरो लिखना है, तो एन प्लस हाफ इक्वल टू जीरो, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? माइनस, ये एन की वैल्यू माइनस हाफ।
ये काम करना पड़ेगा आपको। देखो अब देखो एमसीक्यू आता है आपका तो एमसीक्यू में तो डायरेक्ट हो जाएगा, एमसीक्यू में दिक्कत, लेकिन आपको सोल्व करना है तो इसी तरह से सोल्व करना पड़ेगा। एको करवाऊंगा भी नहीं, नहीं कुछ नहीं होता। पहले इसको लिखो, अब इसमें कौन सा स्टेप समझाना आ गया ऑनलाइन किसी को समझाना है? तो वो आपने मल्टीप्लाई करा था ना, वो समझा दो एक बार बेटा। ये इस तरह से था, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, नहीं बी की पावर, यस ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन, ये ए की पावर एन इससे मल्टीप्लाई हुआ ऐसे, प्लस बी की पावर एन इससे मल्टीप्लाई हुआ। यहां तक कोई दिक्कत? और ये आया समझ में बेटा? हाँ सर। अब ये ए की पावर एन है और ये ए की पावर हाफ है, ये सेम है तो पावर क्या होती है? एड हो गया, तो ये हो गया बेटा एन प्लस हाफ। और इधर ये बी की पावर एन बी की पावर हाफ, तो ये हो गया बी की पावर एन प्लस हाफ। अब समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अच्छा एक और क्वेश्चन है, बोल। आपने जो वो ए की पावर एन प्लस हाफ कॉमन लिया था तो उसके बाद ए फिर भी बचा था ना, वहां पे ए की जगह वन नहीं लिखा था? एक मिनट, ये था आपका, ये था ना? हाँ सर। फिर ए की पावर, अब एक मिनट, अब इसमें ये एन प्लस वन है और ये एन प्लस हाफ ए की पावर, तो बेटा मैं इसको ए की पावर एन प्लस वन को ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता। हाँ। अब ये कॉमन आया तो बेटा अंदर ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ ही तो बचेगा। हाँ सर ठीक। देखो ए ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर एन माइनस थ्री अपॉन ए की पावर एन माइनस फोर प्लस बी की पावर एन माइनस फोर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इट, इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड इट। अब यदि मुझे एमसीक्यू की बात कर रहे हैं डायरेक्ट ट्रिक की, तो एन माइनस फोर इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो उसने जो बोला आंसर सही है सेवन बाई टू। एन की वैल्यू, हमारा आंसर क्या आएगा एन का वैल्यू? सेवन बाई टू। ये तो एमसीक्यू अप्रोच, डायरेक्ट आएगा ज्योमेट्रिक मीन। बोलो अर्थमेटिक मीन में क्या आएगा एन का वैल्यू? फोर। फोर है, फोर सही है। अर्थमेटिक मीन में एन का वैल्यू फोर है। चलिए भाई अब इसको सोल्व करते हैं। ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर एन माइनस थ्री अपॉन ए की पावर एन माइनस फोर प्लस बी की पावर एन माइनस फोर इज द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी।
सो देयरफॉर ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर एन माइनस थ्री अपॉन ए की पावर एन माइनस फोर प्लस बी की पावर एन माइनस फोर दिस इज इक्वल टू रूट एट. ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर एन माइनस थ्री अपॉन ए की पावर एन माइनस फोर प्लस बी की पावर एन माइनस फोर इक्वल टू ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ. ए की पावर हाफ बी की पावर हाफ. अब बस ये मल्टीप्लाई करने वाला इंपॉर्टेंट वर्क है बेटा. एन माइनस फोर, ये एन माइनस फोर इधर सुन लो और ये हाफ है. एन माइनस फोर प्लस हाफ करो, अभी करा ना माइनस सेवन बाई टू. तो ये आया देखो ए की पावर एन माइनस थ्री प्लस बी की पावर एन माइनस थ्री ए की पावर एन माइनस सेवन बाई टू बी की पावर हाफ प्लस ए की पावर हाफ बी की पावर एन माइनस सेवन बाई टू. ए की पावर एन माइनस थ्री माइनस ए की पावर एन माइनस सेवन बाई टू बी की पावर हाफ इक्वल टू ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर एन माइनस थ्री. कॉमन आ गया ए की पावर माइनस सेवन बाई टू, तो बचा ए की पावर हाफ माइनस और इधर आ गया बी की पावर एन माइनस ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर. तो ये आ गया ए की पावर एन माइनस सेवन बाय टू इक्वल टू बी की पावर एन माइनस सेवन बाय टू. ए की पावर एन माइनस सेवन बाय टू अपॉन बी की पावर एन माइनस सेवन बाय टू इक्वल टू वन. और ये हो गया बेटा a अपॉन b की पावर n माइनस सेवन बाई टू. वन को क्या लिखोगे a बाई b की पावर. तो n माइनस सेवन बाई टू इक्वल टू जीरो. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. सेवन बाई टू. बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो पहले किया. क्या ये क्लियर है सभी को. अब समझ में आ गया. कहीं पे भी अभी भी दिक्कत है तो पूछ लो बेटा. ऑनलाइन कहीं पे भी दिक्कत है सिंगल ज्योमेट्रिक मीन में तो सर ये कॉमन लेने वाला स्टेप वापस बता दो. ये वाला पार्ट ना बेटा. हाँ सर. देखो हमें ये देखना होता है कि माइनस, मुझे एक चीज बताओ, माइनस थ्री बढ़ा है कि माइनस सेवन बाई टू बढ़ा है. माइनस थ्री. माइनस थ्री बढ़ा. क्या बढ़ा है? माइनस थ्री बढ़ा. तो बेटा इस माइनस थ्री को मैं लिख सकता हूं एन माइनस सेवन बाई टू प्लस वन बाई टू. लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता बेटा. बोल. इसलिए एन माइनस सेवन बाई टू बाहर आएगा और बचेगा ए की पावर. आया? बोल. भाई ये ब्रेक होगा तो ये ब्रेक होके किससे आएगा? ए की पावर एन माइनस सेवन बाई टू इंटू ए की पावर हाफ ब्रेक होके. इसलिए ए की पावर एन माइनस सेवन बाई टू दोनों में से बाहर आएगा और अंदर बचेगा एन माइनस ए की पावर हाफ माइनस. जैसे एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ. सब मैंने आपसे बोला ए की पावर एन प्लस थ्री माइनस ए की पावर एन प्लस फाइव बाई टू बी की पावर हाफ. तो ऑब्वियसली अब कौन छोटा है? ये छोटा. तो जो छोटा है वो बाहर आएगा. ये चीज समझ. जो आपका स्मॉलर है वो बाहर आएगा. इन दोनों में कौन छोटा था? एन माइनस थ्री छोटा था कि माइनस थ्री छोटा था कि माइनस सेवन बाई टू? माइनस सेवन बाई टू छोटा था. इसलिए ये बाहर. अब इन दोनों में कौन छोटा है? तो ये बाहर आएगा. अब ये बाहर आया तो यहां बचा फाइव बाई टू. थ्री में से फाइव बाई टू गया तो बचा कितना? बहुत दे रखा होगा. ऐसे कैसे नहीं दे रखा? ये तो फिक्स फिक्स पैटर्न है बेटा. इसका मैं कुछ नहीं कर सकता. सब कुछ दे रखा होगा. फिक्स पैटर्न है. ऊपर क्या हो? ए की पावर वन.
नहीं होगा, पैटर्न सेम है। मतलब यदि ऐसा कोई पैटर्न जो आप बता रहे हो, सुन लो, ऐसा पैटर्न जो आप बता रहे हो तो वो पॉसिबल ही नहीं है ज्योमेट्री में। नीचे वाला किसमें? बस यही हो और ऊपर कुछ नहीं हो, पॉसिबल ही नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता ना, ज्योमेट्रिक मीन बनेगा ही भाई, ज्योमेट्रिक मीन बनेगा ही नहीं। ये ज्योमेट्रिक मीन के लिए ये आपकी फिक्स कंसेप्ट है। अच्छा जानवी, आप पूछ रहे थे तो मुझे आप बताना, तो